शेर जंगल का राजा होता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिस वजह से हमने शेर के बारे में ऐसी इमेज बना ली है जिसमें शेर ऐसा जानवर है जिससे कोई दूसरा जानवर पंगे नहीं ले सकता। लेकिन क्या यही सच है? नहीं। जिस तरह किसी शहर के राजा के कई दुश्मन होते हैं, उसी तरह जंगल की दुनिया में भी शेर के कई दुश्मन है जो शेर से पंगा लेने की हिम्मत भी रखते हैं और उसको मौत के घाट भी उतार सकते हैं। ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में आज आप इस वीडियो में भी देखेंगे, तो हो जाइए तैयार जंगल के राजा की मौत का गवाह बनने के लिए। नंबर 10, जिराफ। सभी जानते हैं कि जिराफ सबसे लंबा जानवर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये लंबा और सीधा दिखने वाला जानवर शेर की जान ले सकता है? जिराफ के पास यूं तो लंबे सींग या फिर शिकार करने के लिए मजबूत जबड़े नहीं होते, लेकिन इनके पास लंबी गर्दन होती है जो इनके लिए पहचान भी है और हथियार भी। जिराफ की गर्दन इतनी पावरफुल होती है कि अगर ये जोर से घुमाकर शेर को मार दे तो शेर उठने लायक नहीं बचेगा। गर्दन के अलावा जिराफ के पैर भी कमाल का काम करते हैं। जब कोई शेर इनके आसपास भटकता है तो ये उसको पैरों से मारना शुरू कर देते हैं, जैसे शेर नहीं कोई फुटबॉल हो। और तो और जिराफ का वजन भी शेर से लगभग 3 गुना ज्यादा होता है, तो अगर जिराफ शेर पर बैठ भी गया ना तो शेर जमीन से ऐसे चिपक जाएगा जिसको निकालना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर जिराफ के लिए शेर को मारना आसान काम है, बस 1-2 बार गर्दन हिलानी है और 2-3 बढ़िया किक मारनी है, शेर का काम तमाम। नंबर 9, हिप्पो। कई बार आपने वीडियोस में हिप्पो के ऊपर पक्षियों को बैठे देखा होगा, जिसको देखकर लगता है कि इतने आलसी होते हैं कि पक्षियों को अपनी पीठ से उड़ाने की भी मेहनत नहीं करना चाहते, बस खाकर आराम करना ही इनके जीवन का लक्ष्य लगता है। लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा ही हो ये जरूरी तो नहीं, उसी तरह हिप्पो को भी आप कम मत समझना। अफ्रीका के जंगलों में इस जानवर को सबसे ताकतवर माना जाता है, जो हर साल कई जानवरों को मौत के घाट उतारता है। हिप्पो वजन में शेर से ज्यादा होता है, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपको ये जरूर बता दे कि ये भारी वजन के बाद भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेर को खदेड़ सकता है। इनके दांत इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर जैसे जानवर की हड्डियों को तोड़ सकते हैं, तभी तो शेर को आपने हिप्पो पर हमला करते हुए कम ही देखा होगा। नंबर 8, वाइल्ड बफलो। अगर एक अकेला शेर किसी जंगली भैंसे से भिड़ जाए तो समझ जाना कि वो दिन उस शेर का आखिरी दिन है। और वैसे ही एक भैंसे पर बैठकर यमराज शेर को रिसीव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जंगली भैंसे का वजन शेर के वजन से करीब 4 गुना ज्यादा होता है और इनके सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये शेर को तो हवा में किसी तिनके की तरह उछाल सकते हैं। और ये तो शायद आप जानते ही होंगे कि जंगली भैंसे की चमड़ी कितनी मोटी होती है, तो शेर के लिए इस मोटी चमड़ी को भेद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने भी कई बार वीडियोस में देखा होगा कि शेर झुंड में जंगली भैंसे पर अटैक करते हैं। इसके पीछे एक और रीजन ये भी होता है कि जंगली भैंसों में यूनिटी काफी अच्छी होती है। अगर इनका एक साथी परेशानी में होता है तो पूरा का पूरा झुंड उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है। नंबर 7, गोरिल्ला। शेर को मारने वाली लिस्ट में गोरिल्ला का नाम सुनकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जनाब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि गोरिल्ला शेर की मौत का कारण बन सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि शेर ज्यादातर या तो पैर के हिस्से पर या फिर गर्दन पर अटैक करते हैं, लेकिन इनकी ये टेक्निक गोरिल्ला पर काम नहीं आती। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने गोरिल्ला को मजबूत और मोटी गर्दन वाला बनाया है। अगर कोई शेर इन पर हमला करने की हिम्मत भी करता है तो ये अपने किंग कॉन्ग वाले ताकतवर हाथों से ऐसा पंच मारते हैं कि शेर को अपनी दादी नानी सब याद आ जाती है। गोरिल्ला के आगे शेर तो क्या, किसी भी जानवर का टिकना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दूसरे जानवरों के पास तो सिर्फ ताकत ही होती है, लेकिन इनके पास ताकत के साथ साथ अक्ल भी है जो जंग को जीतने के लिए कहीं ना कहीं मैटर करती ही है। नंबर 6, एलिफेंट। जब हिप्पो शेर को हरा सकता है तो हाथी के लिए तो ये गेम खेलकर टाइम पास करने जैसा है। हाथी इतने ताकतवर होते हैं कि ये बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़कर फेंक सकते हैं। इनके पैरों में इतनी ताकत होती है कि अगर कोई जानवर इसके पैरों के नीचे आ जाए तो वो तो गया समझो। हाथी पर हमला करना सुसाइड करने जैसा है। ये जंगली भैंसे को भी लड़ाई में हरा सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में शेर को हवा में उड़ा रहे थे। जब हाथी शेर को मारने वाले जानवर को हरा सकते हैं तो शेर को मारना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अगर कभी किसी शेर की भूख से बुद्धि फिर जाए और वो हाथी पर हमला भी कर दे तो कभी आगे से हमला नहीं करेगा, हमेशा पैर पर हमला करेगा, क्योंकि ये किसी भी जानवर के बस की नहीं है कि वो हाथी के 2 बड़े दांतों और सूंड से बच जाए। नंबर 5, जीब्रा।
सफेद और काले स्ट्राइप्स वाले जीब्रा को हम सीधे साधे और अच्छे घर के बच्चे मानते हैं, लेकिन जब यमराज के रूप में शेर इनका पीछा करता है तो ये सीधे बच्चे भी गली के गुंडे बन जाते हैं। जीब्रा शेर का वन ऑफ द फेवरेट शिकार है, लेकिन इनका शिकार करना शेर के लिए इतना भी आसान नहीं होता जितना दिखता है। इस शिकार को पाने के लिए कई बार या तो शेर को जिंदगी भर की चोट झेलनी पड़ती है या फिर मौत को गले लगाना पड़ता है। जब शेर जीब्रा का पीछा करता है तो जीब्रा अपनी पिछली टांगों से शेर पर हमला करते हुए आगे जाता है। जीब्रा जब 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जोरदार हमला शेर पर करता है तो वो चोट कितनी तेज लगती होगी इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं। नंबर 4, टाइगर। आप शायद सोच रहे होंगे कि शेर और बाघ को अपीयरेंस के अलावा एक जैसे ही होते होंगे, फिर बाघ शेर को कैसे मार सकता है? आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन अपीयरेंस के अलावा दोनों में और भी बहुत कुछ अलग है। जैसे टाइगर अपने शिकार के लिए किसी भी जानवर को हरा सकता है, यहाँ किसी भी जानवर से हमारा मतलब जंगली भैंसे से है। जी हाँ, शेर जंगली भैंसे से नहीं जीत सकता, लेकिन बाघ में वो काबिलियत है। अगर शेर और बाघ की लड़ाई करा दी जाए तो बाघ शेर को धूल चटाकर बाजी मार जाता है। अगर पुराने समय की बात करें तो कई राजा लायन और टाइगर को पालते थे और इनको कई दिनों तक भूखा रखते थे ताकि जब दोनों के बीच में लड़ाई कराई जाए तो दो भूखे जानवर शिकार को देखकर पूरी जान लगाकर लड़े। ऐसे मुकाबलों में ज्यादातर यही देखा जाता था कि टाइगर ही जीतते थे। नंबर 3, ग्रिजली बेयर। अगर शेर और ग्रिजली बेयर की बात करें तो दोनों एक दूसरे को कमाल की टक्कर देते हैं। अगर दोनों को कंपेयर करें तो ग्रिजली बेयर वजन और लंबाई में शेर से ज्यादा होते हैं, लेकिन शेर की मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसके अलावा ग्रिजली बेयर के पंजे भी शेर से ज्यादा लंबे होते हैं, जो शेर को अगर पड़ जाए तो अच्छी खासी चोट दे सकते हैं। ग्रिजली बेयर का शरीर मोटा होता है और इनकी बॉडी पर बहुत सारे बाल होते हैं जो शेर की मार से इनको बचा लेते हैं। वैसे तो शेर ग्रिजली बेयर से ज्यादा अच्छा हंटर और फाइटर होता है, लेकिन ग्रिजली बेयर का साइज शेर की इन खूबियों के आगे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। किसी बड़े और ज्यादा ताकत वाले जानवर पर एक बार अगर शेर का हमला नाकामयाब हो जाए तो शेर का दी एंड होना लगभग तय हो जाता है। नंबर 2, क्रोकोडाइल। पानी में रहने वाला सबसे खतरनाक जानवर भी जंगल के राजा को शिकस्त दे सकता है और देता भी है। जब भी शेर तालाब के पास पानी पीने पहुंचते हैं तो मगरमच्छ उन पर झपट पड़ते हैं। मगरमच्छ के मजबूत जबड़े किसी भी जानवर को अगर एक बार पकड़ लेते हैं फिर उस जानवर का बचकर जाना मुमकिन नहीं होता, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। मगरमच्छ तो आसानी से अकेले एक शेर का शिकार कर सकता है, लेकिन शेर अकेले मगरमच्छ का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की चमड़ी कांटेदार और मोटी होती है। वैसे तो शेर मगरमच्छ पर हमला कम ही करता है, लेकिन अगर ये मगरमच्छ पर हमला करने पहुंच भी जाए तो कई बार ये खुद ही शिकार बन जाते हैं। पानी में रहते हुए तो मगरमच्छ स्ट्रांग है ही, जमीन पर भी ये शेर को हरा सकते हैं। हाँ, पानी में शेर के पास बचने का ऑप्शन कम होता है, लेकिन जमीन पर ये अपनी जान बचाकर मम्मी मम्मी करके भाग सकते हैं। नंबर 1, अब इस लिस्ट में जिस जानवर की एंट्री होने जा रही है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो बेचारे जंगल के राजा का हाल होता है वो बताया नहीं जा सकता। क्रेस्टेड पॉक्यूपाइन की बॉडी पर कांटे होते हैं जो करीब 14 इंच तक लंबे होते हैं। इन कांटों का इस्तेमाल क्रेस्टेड पॉक्यूपाइन मुसीबत के समय में करते हैं। जब भी इनको खतरा महसूस होता है ये अपने कांटों को दुश्मन के शरीर में चुभा देते हैं। क्रेस्टेड पॉक्यूपाइन के लिए ये दुश्मन शेर, चीता, कोई दूसरा जानवर या फिर इंसान भी हो सकता है। इनके कांटे अगर एक बार किसी की बॉडी में चले गए तो उनको निकाला नहीं जा सकता और ये जिसको भी चुभते हैं उसको अनबेरेबल पेन होता है और कई बार मौत भी हो जाती है। शेर इनको छोटा जानवर समझकर इन पर हमला तो कर देता है, लेकिन उसके बाद जो बेचारे जंगल के राजा का हाल होता है वो बताया नहीं जा सकता। शेर जंगल का राजा है तो क्या उसको बैठे बिठाए शिकार थोड़े ना मिल जाएंगे? ये जंगल है, यहाँ भूख मिटाने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है। जब एक बार मैदान में उतर गए फिर दूसरे जानवरों का सामना भी करना पड़ता है। कोई खुद से थोड़े ना आकर कहेगा लो हमें खा लो, लेकिन कई बार शेर गलत शिकार चुन लेते हैं जो इनको मौत के दरवाजे पर खड़ा कर देता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट